हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए गाड़ी लाया हूँ, अशोक लीलैंड 4620 ए सीरीज यू कैप्टन 4620 गाड़ी लेके आया हूँ अशोक लीलैंड। इस गाड़ी में मैं आपको बताऊँगा, ऑयल लीकेज हो रहा था, गियर के हाउसिंग जो होता है उसके अंदर से ऑयल लीकेज हो रहा था। ऑयल क्यों हो रहा था, किस वजह से हो रहा था, ठीक है, तो मैं आपको पूरा बताऊँगा। ऑयल देख लो, आपको ऑयल लीकेज भी मैं आपको बताऊंगा। नीचे से देख लो, ऑयल नीचे गिरा हुआ है, गाड़ी है, आपको गाड़ी के नीचे से बता रहा हूँ, ठीक है। इसके गाड़ी के नीचे ट्रॉली लगा रखी है गियर को उतारने के लिए, क्योंकि हाउसिंग के वहाँ से आ रहा है, तो ये देख लो गियर ऑयल लीकेज है। इसके गियर के नीचे ट्रॉली लगा रखी, गियर को उतारेंगे, ठीक है। हाउसिंग के यहाँ से ऑयल लीकेज हो रहा है, तो अपन नॉर्मली अपन बता सकते हैं टॉप शाफ्ट के वहाँ से हो रहा है, टॉप सब जो इंजन के वहाँ लगती है वहाँ से ऑयल लीकेज हो रहा है फ्लाईव्हील के यहाँ से। अब मैं आपको बताऊंगा नीचे से ऑयल लीकेज, ये देख लो ऑयल पूरा हाउसिंग के अंदर हो गया था, हाउसिंग के पूरा अंदर ऑयल आ गया था, भर गया था, उसकी वजह से ये ऑयल लीकेज हो रहा था। हमने अब इसको पूरी ऑयल लीकेज हो रहा था, तो 4620 टॉप मॉडल गाड़ी है, ये BS6 गाड़ी है, ठीक है। तो अब देखना अपन इसका गियर उतारेंगे, सबसे पहले इसका गियर उतारेंगे, फिर पता चलेगा कि क्या इसमें मिस्टेक है, क्या इसमें दिक्कत, क्या इसमें प्रॉब्लम थी, तो ऑयल लीकेज क्यों हो रहा था। ये इसका गियर है, गियर के हाउसिंग के बोल्ट खोल दिए आपके सामने, देख लो। गियर उतारने के लिए सबसे पहले इसके हाउसिंग के बोल्ट खोलने पड़ते हैं, और इसके जो शाफ्ट होती है पीछे उस क्रॉस वो खोलने पड़ते हैं बोल्ट, देख लो। ऊपर से मैं आपको बता रहा हूँ ऑयल लीकेज, ऑयल पूरा नीचे आ रहा है और नीचे लीकेज हो रहा है, ठीक है। तो हाउसिंग के अंदर पूरा ऑयल भर गया था, वो ऑयल लीकेज हो रहा था। वो हाउसिंग के अंदर ऑयल कहाँ से आया वो मैं आपको बताऊंगा, देख लो। इसका हाउसिंग के लगभग आधा हाउसिंग ऑयल, 4 से 5 लीटर तक हाउसिंग ऑयल आ गया था। क्यों आया था आपको पूरा मैं बताऊंगा। हाउसिंग खोलेंगे, हाउसिंग खोलने के बाद पता चलेगा, गियर उतारने के बाद पता चलेगा कि कहाँ से ये ऑयल आ रहा था, क्या चीज़ लीकेज थी। एक बार तो हमने पता लगा दिया था कि इसकी ऑयल सील जो इंजन के वहाँ, जो फ्लाईव्हील के वहाँ जो ऑयल सील लगती है, फ्लाईव्हील के पीछे जो ऑयल सील लगती है, वो ऑयल सील बता रहे थे। ये देख लो, हम गियर अलग कर रहे हैं। सबसे पहले गियर को अलग किया, देखो हवर असेंबली जो प्रेशर प्लेट है पूरी ऑयल से भरी हुई है, पूरी ऑयल से हो गई है, ठीक है। अगर प्रेशर प्लेट ऑयल से हो गई है, तो लगभग आप देख लो कि क्लच प्लेट, फ्लाईव्हील सब ऑयल से होंगे, ठीक है। ये इसको ट्रॉली से गियर उतार रहे हैं अपन, गियर अपन अब नीचे उतारेंगे, ठीक है। गियर नीचे उतार रहे हैं आपके सामने, पूरा देखना, गियर उतारेंगे। गियर को पूरा उतारने के बाद हम इसकी प्रेशर प्लेट खोलेंगे, फिर प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, फ्लाईव्हील पूरा खुलने के बाद पता चलेगा कि ऑयल सील फटी है कि ऑयल सील क्या दिक्कत है, ठीक है। अब अपन डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसकी ऑयल सील लीकेज है, फ्लाईव्हील के जो पीछे जो ऑयल सील होती है इंजन की, इंजन ऑयल की, वो लीकेज है, ठीक है। तो देख लो, गियर अपन अलग कर रहे हैं, गियर को नीचे उतारा जा रहा है, ठीक है। ट्रॉली से, ट्रॉली को ऊपर थी, हाई थी, ट्रॉली को डाउन करके इसको नीचे उतारेंगे। ये देख लो, ये पूरा ऑयल इतना लीकेज हो गया था, ऑयल हाउसिंग के अंदर जो ऑयल भरा हुआ था वो बाहर निकल गया था, तो आप देख लो इतना ऑयल है, ठीक है। ये देखना ऑयल, मैं आपको बता रहा हूँ ऑयल, इतना ऑयल लीकेज था, तो उससे क्या ऑयल लीकेज हो रहा था, तो अपन ऑयल इंजन के अंदर ऑयल ख़त्म भी हो सकता था, ज़्यादा अगर ऑयल सील चेंज नहीं करवाए तो ऑयल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये देख लो, ऑयल लीकेज है, ये आपके सामने गियर उतार दिया है, गियर पूरा उतार दिया है। गियर उतारना है तो 18 की घोटी ले सकते हो, 18 की स्पिनर से इसके हाउसिंग के बोल्ट खोल के, और क्रॉस की जो शाफ्ट होती है, शाफ्ट के बोल्ट खोल के, शाफ्ट को अलग करके उसको किया जा सकता है। ये खोल दी इसकी, देख लो गियर हटा दिया। अब मैं आपको इसमें प्रेशर प्लेट बता रहा हूँ, प्रेशर प्लेट इसकी पूरी ऑयल से हो गई है। ये प्रेशर प्लेट डायफ्राम की प्रेशर प्लेट है, ठीक है। इतना ऑयल निकला है कि हाथ से लेना पड़ रहा है, कम से कम 4-5 लीटर इसका ऑयल हाउसिंग के अंदर भर गया था, ऑयल सील भरनी है। इसका हाउसिंग है, देखो हाउसिंग के अंदर भी पूरा ये ऑयल भरा हुआ है, प्रेशर प्लेट पूरी ऑयल से हो रही है। अब इसके नीचे बैठने के लिए, प्रेशर प्लेट उतारने के लिए, इसका नीचे बैठने के लिए सही करना पड़ेगा। ऑयल साफ किया हमने, इसके नीचे कार्टून के गत्ते लगाए, उससे अपन इसको खोलेंगे। अब इसको प्रेशर प्लेट खोलेंगे, ठीक है। प्रेशर प्लेट खोलने के बाद इसका पता चलेगा कि ऑयल सील की क्या स्थिति है, ऑयल सील कैसे फटी है, कहाँ से फटी है, फिर पता चलेगा, ठीक है। ये मैं आपको बताऊँगा। प्रेशर प्लेट खोलने के लिए इसमें देख लो 18 की
स्पिनर चाहिए, सबसे पहले 16 की गोटी चाहिए, 16 की गोटी चाहिए। ये 16 की गोटी से टी हैंडल से इसको अलग कर रहे हैं, ठीक है। प्रेशर प्लेट के बोल खोल रहे हैं, ये आपके सामने देख लो, इसमें 8 बोल्ट होते हैं। प्रेशर प्लेट के जो बोल्ट होते हैं वो 8 बोल्ट होते हैं, वो 8 बोल्ट उसके अटैच होते हैं, ठीक है, फ्लाईव्हील के। ये देख लो, 8 ही बोल्ट खोलने के बाद अपन इसको नीचे उतारेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर उसके बाद फ्लाईव्हील खोलेंगे। फ्लाईव्हील खोलने के बाद अपन को ऑयल सील नज़र आएगी। ये इसका देख लो, प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट पूरी ऑयल में हो रही है। ये आपके सामने ये उतार दिए, प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट आपके सामने उतार दिए, पूरी क्लच में हो रही है, ऑयल में हो रही है। अब इसका फ्लाईव्हील देख लो, फ्लाईव्हील भी पूरा ऑयल में, मतलब अपन डायरेक्टली समझ गए कि इसकी ऑयल सील फट गई है, ऑयल सील नहीं डालनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपके सामने अब फ्लाईव्हील के बोल्ट खोलने, फ्लाईव्हील के बोल्ट खोलने के लिए इसमें 22 का स्पिनर लगेगा, 22 की गोटी लगेगी, ठीक है। और 22 की गोटी लगेगी और साइड में जो आपको दिख रहा है वो स्पिनर लगा रखा है, उसको फ्लाईव्हील नहीं घूमे, इसके रोके रखे एक जगह, इसलिए वो स्पिनर लगा रखा है, फिट कर रखा है, फ्लाईव्हील के बोल्ट खोलने के लिए उसको लगाया हुआ है। ये आपके देख लो, 22 के गोटी से इसको खोला जा रहा है, फ्लाईव्हील को उतारेंगे। फ्लाईव्हील को उतारने के बाद अपन डायरेक्टली ऑयल सील को देख सकेंगे कि ऑयल सील कहाँ से फटी हुई है, मैं आपको बताऊँगा, देखना। आप सबसे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पूरा देखें, वीडियो पूरा देखेंगे तो इस आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखना, फ्लाईव्हील उतरेगा, ये फ्लाईव्हील उतर गया है, ये ऑयल सील कटी हुई है, आपके सामने ऑयल सील है, ये देखना, मैं हाथ से आपको बताऊंगा, ऑयल सील पूरी कटी हुई है अंगुली से, ये देख लो, ये ऑयल सील है, ये ऑयल सील पूरी कटी हुई है। उसकी वजह से इंजन जैसे चलता है, राउंड लेता है, रनिंग में ऑयल बाहर आता है, ठीक है। ऑयल बाहर आके हाउसिंग में जमा होता है और हाउसिंग से लीकेज होता है, हाउसिंग से बाहर आता है। ये देख लो, इतना ऑयल लीकेज था इसके अंदर, ऑयल पूरा ऑयल से हो गया, ठीक है। मतलब ऑयल लीकेज होना मतलब आप देख लो, 4 से 5 लीटर ऑयल इसका लीकेज हो गया, 4 से 5 लीटर इसका ऑयल बाहर आ गया। और ज़्यादा अगर ये ध्यान नहीं देते तो ऑयल बाहर आ जाता और इंजन ओवर हीटिंग करने लग जाता, ऑयल कम होने की वजह से। देखना इसकी ऑयल सील, ये देख लो आपके सामने, मैं आपको पास से बता रहा हूँ, इसकी ऑयल सील कटी हुई है, ये देखो। अब मैं आपको नई इसकी नई ऑयल सील बताऊंगा, नई ऑयल सील जो अपन डालेंगे, ये नई ऑयल सील, ठीक है। ये लगभग ये आती है 1090 रुपये की ऑयल सील है, ये पार्ट नंबर है इसके 1270551 00, ये इसकी ऑयल सील है, नई ऑयल सील, नई ऑयल सील इसके अंदर असेंबल करेंगे, उसकी वजह से इसका ऑयल लीकेज बंद होगा, ठीक है। BS6 गाड़ी है, आपको टॉप मॉडल में बता दूं, BS6 गाड़ी 4620 और एवरेज देती है 360 इसका अनलोड जो लोड होती है, फिर लोड उसमें बड़े एवरेज गाड़ी देती है, टॉप मॉडल है, ठीक है। ये आपको नई ऑयल सील में आपको फिटेड कैसे करनी है, कैसे खोलनी है, देखो ये ऊपर नीचे एडजस्ट होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखना। अब मैं आपको बताऊँगा इसकी क्लच प्लेट, ये क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील में आपको बता रहा हूँ पूरा ऑयल से हो गया, ऑयल से भरा गई है, तो हम इसको भी साफ़ करेंगे, इसको साफ करके वापस फिट करेंगे। देख लो पूरी ऑयल से, फ्लाईव्हील देख लो, या प्रेशर प्लेट देख लो, ऑयल से हो रही है पूरी इसकी क्लच प्लेट। ये इसका फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील भी देख लो, फ्लाईव्हील भी पूरा इसका ऑयल में हो रहा है, ठीक है, ऑयल में हुआ है पूरा फ्लाईव्हील, तो इसको भी हमने साफ़ करेंगे और साफ़ करके इसको वापस फिट करेंगे, देखना। अब साफ कर रहे हैं मैकेनिक, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये प्रेशर प्लेट को साफ़ किया है पूरा, देख लो साफ कर लिया, क्लच प्लेट को भी कर लिया इसका, ये क्लच प्लेट साफ करके रख दिया, अब इसका फ्लाईव्हील साफ कर रहे हैं। साफ करने से ही हीटिंग नहीं आएगी, हीट नहीं करेगी, ठीक है। इसको साफ कर दिया है पूरा, साफ करने के बाद इसके अंदर अब ऑयल सील डालेंगे। हाँ, पहले सबसे पहले वो ऑयल सील, अब अपन को पता चल गया है कि ऑयल सील खराब है, तो उस ऑयल सील को निकालेंगे। उस ऑयल सील को निकालने के लिए उसको पहले स्क्रू ड्राइवर जो पेचकस होता है उससे काट देंगे बीच में से, फिर उसको खींच के एक मुंह उसका खींच के बाहर निकालेंगे तो उससे बाहर निकल जाएगी। ये देख लो आपके सामने इसकी ऑयल सील निकाल दी, टूटी हुई भी मैं आपको ऊपर बताऊंगा। एक ये एक तरह का निकला, आगे वाला हिस्सा निकला है, पीछे वाला अब निकलेगा, आपको टूटी हुई भी मैं पूरी बताऊंगा आपके सामने, देखना। जो मैं आपको बता रहा था कि स्क्रू ड्राइवर से उसको काट देंगे तो बीच में से, तो फिर एक हिस्सा खींच के उसको निकाल देंगे, तो ये स्क्रू ड्राइवर से काट रहे, देखना स्क्रू ड्राइवर से काटा हुआ पार्ट है ये, अब इसको खींच के बाहर निकाला जाएगा। पूरा आपके सामने लाइव बता रहा हूँ मैं ऑयल सील, इन गियर के यहाँ से अगर, हाउसिंग के यहाँ से अगर ऑयल लीकेज होता है तो अपन को ध्यान रखना चाहिए कि इंजन के अंदर जो ऑयल सील टॉप शाफ्ट के यहाँ लगती है वो लीकेज है,
ये देख लो, ये टूटी हुई ऑयल सील, डैमेज ऑयल सील हो रही है, सही ऑयल सील ये आपके सामने पूरी में बता रहा हूँ। ये लगभग ये ऑयल सील आती है 1090 रुपये की, 1270-5100 इसका पार्ट नंबर है, ये इस तरह से आती है, ठीक है। अब इस गाड़ी में हमने ऑयल सील, मैं कंपनी से आपको लाइव डेटा बता रहा हूँ, तो इस गाड़ी में ऑयल सील है तो ऑयल सील इसकी वारंटी की जाएगी, क्योंकि अभी ही इसमें ऑयल डाली थी, गाड़ी ज़्यादा नहीं चली है, BS6 है। अब इस ऑयल सील को फिट कैसे करेंगे, सबसे इसको फिट करने के लिए इसके अंदर ग्रिस लगा देंगे। ग्रिस की वजह से क्या है, अंदर आसानी से बैठेगी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आसानी से फिट हो जाएगी। उसकी वजह से इसकी जो ऑयल सील जहाँ बैठती है उस के एंगल पे इसका ग्रिस लगा देंगे, इसका यहाँ भी लगा देंगे, थोड़ा ऑयल सील के अंदर भी लगा देंगे, उसकी वजह से ये आसानी से दोनों अटैच होकर बैठ जाएंगे। ऑयल सील आराम से बिठानी चाहिए, ऑयल सील बिठाने के लिए इसका पुलर आता है, उसका उपयोग करना चाहिए, पुलर गेज जो होता है, पुलर की सहायता से इसको फिट करना चाहिए, ठीक है। देखना मैं आपको बताऊंगा इसका पुलर, इसको मैं आपके साथ में इसका पुलर भी बताऊंगा, पुलर से कैसे फिट करें, और थोड़ा हैमर से किसी सहायता से इसको मार के फिट कर सकते हैं, देखना। अब मैं आपका इसमें बताऊंगा इसका पुलर, ये इसका पुलर है, ये आपके सामने इसका पुलर रख के इसको हल्की हल्की चोट देकर हल्का हल्का फिट अंदर हैमर की चोट से अपन फिट कर सकते हैं। ये आपके सामने पूरा फिट करते हुए मैं आपको बताऊंगा, ऑयल सील फिल कर फिट कर दी, ठीक है, फिट पूरी कर देंगे, देख लो हैमर से इसको फिट कर रहे हैं, हल्का हल्का मारते हुए इसको फिट करेंगे, उसकी वजह से ऑयल सील आराम से फिटेड हो जाएगी। ऑयल सील फिट करने से आपको ध्यान रखना चाहिए, अपन फिट करे समय वापस टूट नहीं जाए, ख़राब नहीं हो जाए, ठीक है, बाकी अपनी पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। इसको आराम से फिट करना चाहिए, ये आपके सामने ऑयल सील फिट कर रहे हैं। ऑयल सील फिल करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि गाड़ी में कोई ऑयल लीकेज नहीं था, मेन दिक्कत यहाँ से ही थी, उनको पता चल गई ऑयल सील ख़राब है, ऑयल सील डैमेज हो गई है, उसकी वजह से ऑयल लीकेज हो रहा था। ये आपके सामने पूरी फिटेड हो गई है, ये देख लो, ये आपकी गेज पूरा देख लिया, इसका फिटेड है, ठीक है, फिटेड है। फिर इसको आप मैं बताऊँगा आपके सामने पूरा ऊपर से अब इसका हाउसिंग फिट कर रहे हैं, गियर फिट कर रहे हैं। ऑयल सील लगाने के बाद मैं डायरेक्ट मैं आपको बीच में नहीं बताया, इसका गियर वापस फिट कर रहे हैं, फ्लाईव्हील पूरी कनेक्ट की, मैं आपने नहीं बताया, मैंने लाइक और सब्सक्राइब करें। अशोक लीलैंड की 46 पीस टॉप मॉडल गाड़ी है ये लगभग एवरेज देती है 360 का, ठीक है, ये अवतार गाड़ी है, 46 20 A सीरीज, यू कैप्टन अवतार गाड़ी। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।